आसनसोल रेल पार्क के डॉक्टर इकबाल के बारे में खबर गश्त कर रही है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनका इंतकाल भी हो चुका है। इस खबर से रेल पार्क में दहशत का माहौल है। डॉक्टर इकबाल का चैम्बर नेमतपुर के लच्छीपुर में था। प्रशासन की मौजूदगी में उनके चैम्बर को सैनिटाइज किया गया। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে এখানে? এইখানে টিএমসি পার্টি অফিসের পাশে ডক্টর খানের একটা চেম্বার ছিল। হ্যাঁ, তাকে সে 31 তারিখে ফার্স্ট হাফের দোকান খোলা ছিল, তারপরে সে বাড়ি চলে যায়। তবে এখন আমরা খবর পেয়েছি সে মারা গেছে। তো আমরা জানকারি করলাম, তার ছেলেকে ফোন করলাম, তার ছেলে বলল যে বাবার পজিটিভ হয়ে গেছে, করোনা পজিটিভ। আচ্ছা, তো আমরা আরো খেলে মানে জানকারি করলাম এদিক ওদিক থেকে। তো আমরা একদম সঠিক খবর পেলাম যে ওর করোনা পজিটিভ হয়েছে। তার জন্য আমরা কর্পোরেশনের আমাদের যে MIC মীরা সিং তাকে খবর করলাম, বড়বাবুকে ফোন করলাম, এমনি আমাদের আইসিকে, যে ওনারা এসে করে এখন এইখানে পুরো স্যানিটাইজ ছড়ালো। ঠিক আছে, তার জন্য এইসব ইয়ে করা হলো। এখন আজকে সকালে খবর পেয়েছি যে আমাদের এইখানে গেটে ডাক্তার ইকবাল খান বসতেন, উনি মারা গেছেন। এভাবে ওনার ডেড বডি আছে, মিশনে ডেড বডি আছে। এখন একটা হাল্লা খোলা হয়েছে কি উনি করোনাতে মারা গেছেন। এখন সঠিক কি খবর এখন রিপোর্ট আসে না, পরে আমরা জানতে পারবো, আপনাকে জানাবো। তবে আমরা ঠিক আছে, হয়েছে পজিটিভ আছে কি নেগেটিভ আছে সেটা পরে দেখা যাবে। যখন একটা হাল্লা ছুড়েছে মার্কেটে, তখন আমরা মানে স্যানিটাইজেশন, হ্যাঁ স্যানিটাইজার করাচ্ছি, সবাইকে ডেকেছি। হ্যাঁ, মেডিকেল টিম আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে চলে এসেছে, স্টাফরাও চলে এসেছে। দুটা বাচ্চাকে দেখেছিলেন ডাক্তারবাবু, ওই বাচ্চা মানে দাদু দাদু বলতেন ওর কাছে, যেত খুবই ভালোবাসতেন। ওই বাচ্চাটাকে আমরা পাঠালাম এখন চিকিৎসার জন্য হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। একটা বাচ্চা আছে, তার ওষুধ চলতো, ওই ছেলেটাকেও পাঠানো হয়েছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, দেখা যায় কী হয়। স্যার, ডক্টর করোনা পজিটিভ না এখন বলা যাবে না, এখন বলতে পারছি না, শুনছি একটা হাল্লা আছে। রিপোর্ট যতক্ষণ না আছে ততক্ষণ তো আমি বলতে পারবো না কি উনি করোনাতে মারা গেছেন। আপনার নাম? মীর হাতিম, মেয়র ইন কাউন্সিল আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। भगत सिंह मोड़ में खस्सी का गोश्त बेचने वाले कुमारपुर के शाहिद कुरैशी के बारे में बुध के रोज़ किसी अखबार में खबर आई थी कि वो कोरोना संदिग्ध हैं। उनके एक रिश्तेदार दानिश अजीज़ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि बिना सबूत अफवाह ना फैलाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बुधवार की सुबह में एक न्यूज़पेपर ने एक गलत न्यूज़ को मेंशन कर दिया था हमारे फैमिली के बारे में। हमारी फैमिली जिसमें मोहम्मद शाहिद कुरैशी, जो जिनको नाम को बदनाम किया गया था एज अ कोरोना संदिग्ध बोलकर, हालांकि उनको कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था, फिर भी उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया था। और साथ ही साथ एक गलत न्यूज़ का अफवाह फैलाकर हमारे मोहल्ले में
एक गलत न्यूज का पेशकश हुआ, जिसके वजह से हमारे मोहल्ले में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसा भी जहां भी है, अगर किसी का तबीयत खराब है तो आप लोग उसकी तबीयत खराब को वहीं तक सीमित रखें और कुछ गलत अफवाह ना फैलाएं, ताकि आसपास के मोहल्लों में, अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों में कुछ गरीब लोग काम करने जाते हैं, उन पे इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट ना पड़ते हुए जो लोग अपने अपने घरों से निकलकर काम करने जाते हैं वो अपने अपने काम पे जाएं, और कुमरपुर वार्ड नंबर 55 जो 57 वर्ष से कोरोना संघिर्ण, इसमें किसी न्यूज वाले ने इसको एक गलत न्यूज छापा था कि वो एक हफ्ते पहले बैंगलोर से आए, तो मैं आप लोगों को पुष्टि कर देना चाहता हूँ, जबकि लॉकडाउन चल रहा है 22 तारीख से, तो ये एक हफ्ता पहले बैंगलोर से कैसे आएंगे, ये गलत मेंशन किया हुआ न्यूज था, पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अफवाह ना फैलाएं, और जो भी आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई भी केस हो तो आप पहले उन्हें ट्रीटमेंट करवाएं, अगर कुछ ऐसा निकले तो ही आप लोग अफवाह फैलाएं, ऐसी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये अफवाह होने से एक दहशत का माहौल होता है हमारे शहर में, हमारे वार्ड में। आज जैसा कुमरपुर वार्ड नंबर 55 में एक दहशत का माहौल बना हुआ है कोरोना संक्रमित को लेकर, जो एक नेगेटिव रिपोर्ट आज सुबह आया उससे वो क्लियर हो चुका, और आज मोहम्मद शाहिद कुरैशी घर भी आ चुके हैं। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गलत अफवाह ना फैलाएं, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी किस्म का, कोई भी मोहल्ले में, कोई भी पाड़े में, आसनसोल के किसी भी कोने में दहशत का माहौल हो, परेशानी का माहौल ना हो। बस यही बोलकर आप लोगों से मैं अपना मूल्यवान वक्त खत्म करता हूं, और ये मोहम्मद शाहिद कुरैशी जी का रिपोर्ट है, जिसमें देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है, कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट आया है, आप सभी को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये नेगेटिव का रिपोर्ट आया है, आप देख सकते हैं मोहम्मद शाहिद कुरैशी नाम मेंशन है, और यहाँ पे कोविड-19 का नेगेटिव। मगरबी बंगाल बीजेपी रियासती सेक्रेटरी बापा चटर्जी ने बताया कि उन्होंने बनपुर सेल अस्पताल की बद इंतजामी के बारे में ट्वीट किया था। ट्वीट का असर सामने आया, उन्होंने बताया कि दूसरे दिन अस्पताल की सूरत ही बदल गई, डॉक्टर मास्क पहने नजर आए, सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त किया गया, गेट पर सिक्योरिटी का भी माकूल इंतजाम किया गया, आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। এবং বানপুর হসপিটালে এসে যেটা দেখতে পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এখানে হসপিটালের ইনসাইডে নার্সদের কাছে, ডাক্তারদের কাছে প্রপার মাস্ক ছিল না এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা ছিল না, অর্থাৎ এত বড় হসপিটাল। সেই মুহূর্তে আমি একটা টুইট করি এবং তার ফলস্বরূপ এখানকার অনুপজি আছেন, উনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন এবং আমাকে ইনভাইট করেন যে আপনি আসুন, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা আছে, আপনি নিজের তরফ থেকে দেখে যান। তো আমি আমার তরফ থেকে আজকে ভিজিট করতে এসেছিলাম ওনার আহ্বানে, এবং এসে যেটা দেখলাম যে হসপিটালের পরিস্থিতি যা কাল দেখেছিলাম একেবারে বিপরীত রূপী পরিস্থিতি আছে, এবং এখানে গতকাল যেমন সিকিউরিটি গেটের ওই সাইডেও ছিল না, আর আজকে তারাই থার্মোমিটার নিয়ে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তো একটা বিরল চিত্র আজকে দেখতে পেলাম, এই চিত্রটাই যাতে আগামী দিনও বর্তমান থাকে, মানে এটা এরকম না হয় যে আজকে একটা ভিজিট ছিল আর তার জন্যই হলো, আর আগামী দিন আবার পুনঃমুসিক ভব, মানে আগের মতোই আবার হয়ে গেল, এবং সেই ওয়ার্ডে একই রকম ভিড়, একই রকম লোকের হাওয়া যাওয়ার, একই রকমভাবে ডাক্তার নার্সদের কাছে কোনো ব্যবস্থা না থাকা, এই টোটাল ব্যাপারটা যাতে না হয় তার জন্য আজকে দেখে গেলাম, এবং যিনি এখানকার দায়িত্বে আছেন তারা প্রত্যেকে বললেন, আশ্বাসন দিলেন, এবং তারা যেটুকু জানালেন যে তারা আগামী দিন আজকের পর থেকে এই একই রকম পরিস্থিতি থাকবে, এবং আমাদের বানপুর হসপিটাল সব রকম পরিস্থিতিতে লড়ার জন্য তৈরি আছে। যাক, এটা দেখে ভালো লাগলো যে কমসেকম দুদিন পরে হলেও, দুদিন দেরিতে হলেও বানপুর হসপিটাল উদ্যোগ নিয়েছে, নিল, এবং আজ থেকে তারা একটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামছে যাতে কোনোরকমভাবে ইনফেক্টেড পার্সন আমাদের হসপিটালের ভেতর না পাওয়া যায়, এটাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, এবং আগামী দিন যাতে আমরা সবাই সুস্থ থাকি, আর একই রকম ব্যবস্থা যাতে হসপিটাল অথরিটি, সেল অথরিটি, সেল ম্যানেজমেন্ট।
लॉकडाउन में जरूरतमंद खानदानों की मदद के लिए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी की अहलिया समाजी खिदमतगार चौतली तिवारी ने 100 जरूरतमंदों कुंभों के दरमियान राशन तकसीम किया। गोदली मोड़ में वाके देवी स्थान मंदिर में उन्होंने 100 खानदानों को राशन के तौर पर चावल, आटा, नमक, दाल, तेल का पैकेट दिया। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। इस उपलक्ष्य में और कोरोना वायरस से सब कोई बचत रहे और शांति से रहे। अभी जो सबके का प्रॉब्लम है खाने का, इसको लेकर के हमको लगा कि आज थोड़ा सा सबको से मिले कि सब मेरा परिवार है, तीनों को थोड़ा सा एक साथ लेकर कुछ दिया जाए। बस कितने जन को दिया जा रहा है आज? तो कितने जन को दिया जा रहा है बेटा? आज 100 पीस दिया जा रहा है। क्या क्या दे रहे हैं आज? दिया जा रहा है चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, सोयाबीन दिया जा रहा है, चीनी, चायपत्ती। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम है चैतारी तिवारी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क गिर पैमाने पर नाफिज तालाबंदी के दौरान रोज कमाने वाले लोगों की मदद को सामने आ रही हैं कई तंजीमें। आसनसोल जनूबी असेंबली हल्के के बनपुर नरसिंह बांध तरुण संघों की जानिब से रोज की तरह सातवें दिन भी जरूरतमंदों के दरमियान खाने की पैकेट तकसीम किए गए। मकामी MLA तापोस बनर्जी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ आसनसोल रामकिशन मिशन की जानिब से रानीगंज ब्लॉक के जमीरी पंचायत के आदिवासी इलाकों में जरूरतमंदों के दरमियान राशन किट तकसीम किए गए। आश्रम के महाराज और ADDA चेयरमैन तापोस बनर्जी इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, AC रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर, टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098417688222128। आपके जीवन के खास पलों को और भी खास बनाएं। SARD वेडिंग प्लानर। वेडिंग सेरेमनी हो या बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी हो या आपकी खुशी का कोई भी पल, इन पलों को खूबसूरत तरीके से सजाने की जिम्मेदारी हमारी। मेक योर मेमोरीज मेमोरेबल जस्ट लाइक सेलिब्रिटी स्टाइल। कॉन्टेक्ट SARD वेडिंग प्लानर। मोबाइल नंबर 9851030086, 9641790842, 8942866084 and 9333131466. So don't waste time, hurry up, book now. कुल्टी 12 नंबर लोको लाइन में कुल्टी मधेशिया समाज की तरफ से गरीब जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटा गया, जिसमें चावल, दाल, आलू, तेल, नमक, सोयाबीन दी गई। निकलते जा, इधर से निकलते जा। कृषि अध्यक्ष के द्वारा खाद्य सामग्री गरीब आदमी के द्वारा वितरण किया गया और प्रयास हम लोग करेंगे कि आगे और जो भी आदमी है उनको और हम लोग दें। किसी का भी खाने पीने का प्रॉब्लम होगा। आज जैसे लॉकडाउन का 17 रोज हुआ है, कल हो सकता है, कल 11 तारीख है, मोदी जी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे, हो सकता है लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग और सभी गरीब आदमी जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे और सेवा करेंगे। राशन में आप लोग क्या क्या चीज बांटे हैं? राशन में था चावल, था आलू, था तेल, था सोयाबीन, था मसाला, था दाल, सब था, दाल था। आपका नाम? नमक। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। फैशन प्लाजा,
biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. All Sri Hari products and guaranteed golden jewelry. Imitation jewelry, goggles, wrist watches, purses, dios, bangles, bridal jewelry, gents jewelry, cosmetics, hair and parlor accessories munasib kimaton par uplabdh hai. To der kis baat ki? Hamara pata hai Fashion Plaza, 3rd floor, Galaxy Mall, Asansol. आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल।